क्या आप भी बर्गर बड़े शौक से खाते हैं? अगर ऐसा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड का बर्गर खाने से अमेरिका में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 26 से ज़्यादा लोग ई कोली से संक्रमित मिले हैं। अब ये ई कोली संक्रमण क्या है, आज इसी पर बातचीत होगी। बहुत सारे लोग आजकल बर्गर्स, हैमबर्गर्स खाते हैं देश विदेशों में, तो क्या हर तरह के बर्गर्स या हैमबर्गर्स में ई कोली संक्रमण का खतरा है? अमेरिका में तो इससे बड़ा चिंता की बात वहाँ पर फैली हुई है, लेकिन भारत में क्या इतनी चिंता करना लाजमी है? इस पर बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। बर्गर के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। ये खबर अमेरिका से आई है। दुनिया भर में सबसे फेमस ब्रांड मैकडॉनल्ड्स का क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने से लोग ई डॉट कोली वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस संक्रमण के चलते कई लोग बीमार हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस मामले की पुष्टि की है और बताया कि ये संक्रमण 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है, जिससे कुल 49 लोग प्रभावित हुए हैं। कोलोराडो राज्य में इस संक्रमण से सबसे ज्यादा 26 लोग बीमार हुए हैं और कुल 10 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकोप का सबसे बड़ा कारण मैकडॉनल्ड्स के लोकप्रिय मेन्यू आइटम क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर को माना जा रहा है। CDC के अनुसार इस प्रकोप के दौरान अधिकतर लोगों ने बताया कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के बाद बीमार महसूस किया, खासकर क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने के बाद। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से जुड़ा ये संक्रमण एक खास प्रकार के बैक्टीरिया ई डॉट कोली से हो रहा है। ये स्ट्रेन विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इससे होने वाले लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, उल्टी और कुछ मामलों में ये किडनी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यह स्ट्रेन 1993 में जैक इन द बॉक्स नाम की फास्ट फूड चेन में भी फैल चुका था, जहां अटपके हैमबर्गर के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने तुरंत कार्रवाई की है। मैकडॉनल्ड्स ने अपने एक बयान में कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि बीमारियों का संबंध क्वार्टर पाउंडर में इस्तेमाल किए गए कटे हुए प्याज से हो सकता है, जो एक ही सप्लायर से खरीदा गया था। फिलहाल जांच जारी है और कंपनी ने उन प्रभावित राज्यों के स्टोर से कटे हुए प्याज और बीफ पैटीज को हटा दिया है, जो इस संक्रमण से जुड़े हो सकते हैं। अमेरिकी CDC इस मामले की जाँच कर रहा है। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि संक्रमण किस चीज से फैल रहा है, लेकिन ताजा कटे हुए प्याज और बीफ पैटीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी संक्रमित लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि उन्होंने संक्रमित होने से पहले क्या खाया था। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया था और उस खाने में क्वार्टर पाउंडर का जिक्र किया है। भले ही डॉट कोली का संक्रमण अमेरिका में फैल रहा है, लेकिन भारत में भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को खूब पसंद किया जाता है। ऐसे में कंपनियों को उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न आए। यही नहीं, खाद्य सुरक्षा के मानकों को और भी सख्त किया जाना चाहिए और सप्लायर से लेकर सर्विस तक की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निगरानी होनी चाहिए, ताकि ऐसे मामले भारत में सामने न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर सौमित्र रावत का, जो की चेयरमैन है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रावत आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बॉम्बे हॉस्पिटल से संबद्ध। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा जी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर रावत, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ सर। अब हालांकि ये ई कोली फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक जो है, ये अमेरिका में खासा चिंता का विषय बना हुआ है, और ख़ास तौर से इसमें जो मैकडीज क्वार्टर पाउंडर्स जो हैमबर्गर या बर्गर्स खाए गए हैं उनमें ज़्यादा रिपोर्टेड हुआ है। बट भारत के लिहाज से ये कितना अलार्मिंग है, और ये एग्जैक्टली किस तरह का इन्फेक्शन होता है सर, और कैसे ये फैलता है या संक्रमित करता है किसी व्यक्ति को? ये देखिए, किसी भी कंट्री के लिए अलार्मिंग होता है। ई कोलाई इन्फेक्शन का आउटब्रेक काफ़ी रेगुलर होता है, और ये 3-4 दिन के एक्सपोजर के बाद होता है,
इसमें माइल्ड फीवर होता है, पेट में दर्द होता है, लूज स्टूल या डायरिया होता है, कई बार उसमें खून भी होता है और वॉमिटिंग होती है। अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ये एक हफ्ते में कंजर्वेटिवली ट्रीट हो जाता है, लेकिन अलार्मिंग रहता है छोटे बच्चे और ओल्डर एडल्ट्स में। और दूसरा ये भी होता है कि जो इनका स्टेन है, अगर स्टेन थोड़ा खतरनाक होता है, उसमें हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है, वो किडनी को फेल कर देता है और मोर्टेलिटी भी हो जाती है। जैसे कि आपने बताया, एक जो पेशेंट है वहाँ, उनकी डेथ हो गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, उसमें सेफ्टी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर फूड हैंडलिंग होनी चाहिए और जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो पूरी की पूरी होनी चाहिए, अनकुक्ड फूड नहीं होना चाहिए। प्रॉपर विजिलेंस रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए किस सोर्स से आप ले रहे हैं, उसको पूरी तरह से सफाई करी है, पूरी तरह से कुक्ड है या नहीं है। एब्सोल्युटली, देखिए ये कुक्ड वाली बात भी है और इसमें आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिमिलर इंसिडेंट जो है, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में भी बताया, 90 के दशक में एक बार इसी तरह के अंडर कुक्ड हैमबर्गर्स की वजह से इसी तरह का आउटब्रेक ईकोलाई का वहाँ पर हो चुका है, इसलिए खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर भंसाली, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहेंगे सर, अब हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा चलन है वेस्टर्न फूड का, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे वो वेस्टर्नाइज फूड जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अब धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं, उसका उभार यहाँ पर तो है, यहाँ पर कंजम्पशन का तो और ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूँगा कि भारत में इतनी चिंता इसको लेकर करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। डॉक्टर भंसाली, डेफिनेटली दीपक जी, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चीरिया कोलाइरी बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एनोरोबिक्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वाला होता है वो सिगेला बैक्टीरिया होता है जो प्रॉब्लम करता है। जनरली ये बैक्टीरिया जो होता है एनिमल्स, ह्यूमंस, उनके गट में, इंटेस्टाइन में रहता है। जब भी आप अंडर कुक्ड फूड खाते हैं, वेदर इज वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड है, या पुअर सैनिटेशन का पानी, ड्रिंकिंग प्रॉपर नहीं होता है, पानी जो होता है वो प्रॉपर या अनपास्चराइज जो मिल्क होता है, रॉ फ्रूट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं या वो प्रॉपरली बनाए हुए नहीं रहते हैं, अगर वो खाते हैं तो उससे होने के हाई चांसेस रहते हैं। कई बार बारिश के मौसम में हम हमारे ही कंट्री में देखते हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन होते हैं, जो रोड साइड फूड, पानीपुरी, भेलपुरी वगैरह खाते हैं, और हमारे पास में लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में क्रैम्प्स वगैरह लेकर के भर्ती होते हैं, किसी में ईकोलाई होता है, किसी में दूसरा बैक्टीरिया होता है। लेकिन जो ये अंडर कुक्ड हैमबर्गर वगैरह बनता है, बीफ होता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। खतरा अगर अपन हमारी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यस, आजकल की यंग जनरेशन अधिकतर जगह पे काम में बिजी, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है या लड़के लड़कियां हैं, वो जनरली ऑर्डर करते हैं या घर में खाना नहीं बनाते, गर्म फूड नहीं खाते हैं, और वो रेस्टोरेंट वगैरह से जहाँ से भी मंगवाते हैं, जो भी इनका होता है आउटलेट वगैरह, वहाँ से फूड मंगवाते हैं, और कई बार वो ठंडा रहता है या प्रॉपर कुक्ड फूड नहीं रहता है, और उसमें चांसेस बहुत हाई होते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया का, जो इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद में लोगों को लूज मोशन होने लगता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगता है, और अगर लूज मोशन ज़्यादा होता है या अगर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इन्वेजिव होता है, जिसे हम एंट्रो इन्वेजिव एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, वो अगर ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तो ब्लीडिंग होने लगता है, प्रॉब्लम आती है। जैसे डॉक्टर उन्होंने साहब ने बताया कि HUS होता है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जब होने लगता है उस केस में प्रॉब्लम होने लगती है, या कंटिन्यूस डायरिया होता है और आप उसको सप्लीमेंट नहीं करते हो, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह नहीं लेते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या नॉर्मल वाटर नहीं लेते हैं, या टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखा करके एंटीबायोटिक वगैरह चालू नहीं करते, तो पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, किडनी डिजीज उस सब में जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के चांसेस रहते हैं। सो हमारी कंट्री में भी इस चीज़ को लेकर के खतरा है, इसलिए हम लोगों को अपील करते हैं बार बार कि गर्म खाना और प्रॉपर कुक्ड फूड, रॉ फूड अवॉइड करें, प्रॉपर कुक्ड फूड खाना चाहिए।
एब्सोल्युटली, देखिए यही है, अगर आप बोलेंगे इससे पूर्ववर्ती जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे ई कोलाई आउटब्रेक का, तो ज़्यादातर वहाँ पर इस समय भी जो अंडरकुक्ड हैमबर्गर्स हैं उसमें बीफ का इस्तेमाल होता है। फॉर्चुनेटली भारत में बीफ नहीं खाया जाता है, लेकिन हाँ, क्योंकि उसका अनियन से रिलेशन ज़रूर है और अनियन लाइक अदर वेजिटेबल्स भी हैं जो कि कंटेमिनेटेड हो सकती हैं ई कोलाई से, ख़ास तौर से वो हर स्टेप में, वो चाहे फार्मिंग हो, चाहे हैंडलिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो, या फिर जो डर्टी वाटर के साथ संपर्क में आने के बाद हो। इसलिए ये समझ लेना कि साहब ये तो सिर्फ नॉनवेज और ख़ास तौर से बीफ वाले केसेस में ही होता है, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि ऐसी धारणा भी रख रहे हैं, उनके लिए हम बता दें कि नहीं, प्याज हो या दूसरी तरह की सब्जियाँ हो वो भी एक्सपोज हो सकती हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर वो हाइजीन वाले वातावरण में तैयार नहीं की जा रही है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। मनीषा जी, थोड़ा आप भी इस बारे में थोड़ा अपने इनसाइट्स भी दें, और क्या आप इस वक्त उन लोगों को जो बड़ा पसंद करते हैं बर्गर्स खाना, यहाँ पे किसी एक ब्रांड की बात नहीं हो रही है, इन जनरल क्योंकि बर्गर खाना बड़ा पसंद कर रहे हैं भारतीय आजकल, तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं ताकि ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के संपर्क में ना वो आ पाए? देखिए, आजकल जैसे कल्चर एक हो गया है मैकडोनल्ड्स फास्ट कुकिंग का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट है, हस्बैंड वाइफ सारे काम कर रहे हैं, बच्चे इकट्ठे रहते हैं, कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो एक जल्दी खाने का माध्यम यहाँ पे तेज़ी से बटन के साथ जल्दी स्विगी वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल्चर होना चाहिए वो ये बच्चों को और हम सबको ये सीखना चाहिए कि जो भी हम खाएं, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली कुक्ड, मतलब अच्छे से कुक्ड होना चाहिए, सामने आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। ये पैटियाँ बर्गर्स वगैरह हम लेने भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये खुले में पड़ा होता है, इतना उसको कुक नहीं करते, बार बार वही तेल के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पैटीज़ खाने का आपको शौक़ भी है तो आप पैटीज़ घर में बना के आप उसको बना के खा सकते हैं। आप अगर आप अपने फ्रीज़र में रख लें तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप अपने घर में सामने अच्छे तेल के अंदर बना के खा रहे हैं, प्रॉपरली कुक कर रहे हैं। अब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने कहा नॉन वेज में, इवन इन वेजिटेरियन जैसे प्याज कटा हुआ पड़ा होता है, टमाटर कटा हुआ पड़ा होता है, पत्ता गोभी कटा हुआ पड़ा होता है, सब कुछ कटा हुआ पड़ा है, ओपन में पड़ा है, तो बैक्टीरिया तो कहीं पर भी पनप सकता है, कोई गंदे हाथ से, गंदे पानी से, किसी भी चीज़ से। तो हमें कोशिश करके ये रखना चाहिए कि एक तो ताज़ा खाना खाएँ, कुक्ड खाना खाएं, और ज़्यादातर जो खुला हुआ खाना होता है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो हम ऐसा भी सोचते हैं कि कटा हुआ फ्रूट है तो हम वो खा लेते हैं, वो अच्छा है, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी कुक्ड कट फ्रूट होता है वो नहीं खाएं जी, और पका हुआ खाना खाएं, और बहुत कोशिश करें कि घर पे ही बना के खाएं, खिचड़ी खा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें खा लें, अगर बच्चों को नहीं भी पसंद है तो घर में पैटियाँ बना के खा लें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुल मिला के हाइजीन और प्रॉपर कुक्ड फूड, ये दो बड़े मंत्र हैं भारतीयों के लिए, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि क्रॉस कंटामिनेशन भी हो सकता है, हो सकता है कि डायरेक्टली ई कोलाई के संपर्क में कोई चीज़ ना आ रही हो, लेकिन हैंडलिंग के वक्त, पैकिंग के वक्त, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से जो ये फास्ट फूड का कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र तो ये और अहम हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और इस मुद्दे की तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, और आपको क्या सतर्कता सावधानियाँ बरतनी है ये तो हम बात करेंगे ही, साथ ही साथ अगर मैकडोनल्ड्स जैसी बड़ी प्रतिष्ठित चेन्स में इस तरह के वाकया सामने आए हैं तो क्या भारत में भी रेगुलेटरी स्तर पर थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए, क्या पॉलिसी लेवल पे कुछ इंटरवेंशन होने चाहिए ताकि सेहत बनी रहे आम आदमी की, इस पर भी राय लेंगे हमारे मेहमानों से छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एक बैक्टीरिया जिसका एक स्ट्रेन जो है वो बड़ा जानलेवा भी है ई कोलाई, इसका संक्रमण जो है वो अमेरिका में फैला है, लगभग 50 लोग इसके चपेट में आए हैं, एक व्यक्ति की दुखद मौत भी हुई है, और तब से मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स को लेकर पूरी दुनिया में चिंता की बात हो गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के शेयर भी टूटे हैं
इस खबर के सामने आने के बाद। अब हम उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके मायने टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सीख मिलती है भारतीय कंज्यूमर्स के लिए जो बड़े चटोरे होते जा रहे हैं, जिनको इस तरह की चीज़ें बड़ी खाने के लिए बड़ी पसंद आ रही हैं, तो उनके मायने हम इर्द गिर्द खोज रहे हैं। डॉक्टर रावत, अब जैसा हमने कहा कि ये यूएस का मामला है, लेकिन निसंदेह भारत में चिंताएं भी होनी चाहिए क्योंकि भारत में भी बड़े प्रशंसक हैं मैकडोनल्ड्स जैसी चेन्स के। तो भारत में क्या करना चाहिए एहतियात के तौर पर? हमारे रेगुलेटर्स को क्या इंस्पेक्शंस बढ़ा देने चाहिए, क्या ऑडिट्स करते रहने चाहिए, कुछ कंप्लायंस बढ़ा देने चाहिए ताकि हमारे यहाँ इस तरह के वाक्यों की पुनरावृत्ति ना हो? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? दीपक जी, सलाह वही है कि जो कंज्यूमर हैं, जो जनरल पब्लिक है, उन्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। उसमें वही है, सब्जियों को ओपन में ना रखें, हर समय उसको साफ करके तभी पकाएं, जिस यूटेंसल में पकाते हैं उसको भी क्लीन होना चाहिए, वेल कुक्ड होना चाहिए फूड। और जो गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडीज हर जगह बनाई हैं, हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फूड हैंडलर यूनिट है, वो जाके चेक करते हैं, लेकिन उसमें गवर्नेंस होना चाहिए कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं उसमें जो फूड हैंडल कर रहे हैं उनकी रेगुलरली जांच हो रही है या नहीं हो रही है, उनमें कोई डिजीज तो नहीं है, और वो कुकिंग जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी है या नहीं है। वहाँ सफाई होनी चाहिए, पानी जो है वो ड्रिंकेबल होना चाहिए, जिससे आप वॉश करें वो साफ पानी होना चाहिए, एडिक्वेट कुकिंग होनी चाहिए। और जो अमेरिका में भी हुआ है, उन्होंने जो फाइंड आउट किया है कि उसमें जो सोर्सेस दो हैं वो ओनियंस हैं और बीफ पैटीज हैं, और जो ओनियंस हैं जिसे सिल्वर्ड ओनियंस बोलते हैं, ये एक ही सप्लायर ने सप्लाई करी है 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, जिससे कि 10 स्टेट में ये आउटब्रेक हुआ है और 25 लोग अभी भी सिक हैं। और जैसा कि आपने 1990s का भी बताया था, 1993 में वही था, अनकुक्ड हैमबर्गर थे जैक इन द बॉक्स रेस्टोरेंट में। मैं इंग्लैंड में भी 17 साल था, वहाँ पर भी ऑन एंड ऑफ आउटब्रेक्स होते रहते थे। तो उसमें वही है, कोई कंट्री सेफ नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल वही है, हाइजीन मेंटेन करनी है, वेल कुक्ड खाना होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और थैंक्स, आपने एक अच्छा इंसाइट दिया कि एक ही सप्लायर की इसमें थोड़ी सी भूमिका पाई गई है। अब मुझे तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है डॉक्टर भंसाली कि भारत में मैकडोनल्ड्स की सोर्सिंग का पैटर्न क्या है, सोर्सिंग का उनका अपना इकोसिस्टम क्या है, बट क्या हमारे यहाँ सप्लायर्स ऑडिट बढ़ा देने चाहिए, ट्रेसिंग सप्लाई चेन एंड ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन, क्या ये सुनिश्चित करने का वक्त नहीं आ गया है इंडियन रेगुलेटर्स को? कम से कम समय रहते इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहिए सर, डॉक्टर भंसाली। डेफिनेटली दीपक जी, ये जिस तरह की जो बीमारी है इसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। पॉइजनिंग एक बहुत बड़ा शब्द होता है, बड़ा वर्ड होता है, जिसमें आदमी की जान भी जा सकती है और गई है। तो इस टाइप में दोनों तरह के लोगों का इसमें बराबर रोल होता है। एक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होती है, जो हमारे यहाँ पे FDA है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फूड इंस्पेक्टर और हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि जितने भी रेस्टोरेंट है, चाहे वो आउटसाइड है, चाहे वो इनसाइड है, चाहे वो होम डिलीवरी करने वाले, सब जगह पे टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हो, वहाँ के फूड का ऑडिट हो, प्लस एक बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट होता है, वहाँ का जो वाटर होता है उसका भी चेक होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है या जो वाटर उस फूड के लिए यूज किया जाता है उसमें कहीं कोई ई कोलाई या विब्रियो या कोई और बैक्टीरिया तो नहीं पाए गए। वो रेगुलरली कल्चर होता है, उसका कल्चर टेस्टिंग की जाती है, लैब के अंदर माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग होती है, वो उनको स्ट्रिक्टली करने चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशन हमारे यहाँ पर है, FDA की तरफ से भी है, हेल्थ ऑफिसर
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी है, लेकिन उनको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता है, न तो रेस्टोरेंट की तरफ से किया जाता है, न रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी तरफ से नहीं किया जाता है। सो थोड़ा सा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, उसको करना चाहिए, टाइमली उसका ऑडिट होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में भी ये आनी चाहिए कि आज इतने रेस्टोरेंट का चेक हुआ, वहाँ पर ये पाया गया, वहाँ पर वो कल्चर में पाया गया, थोड़ा अगर पब्लिक डोमेन में आएगा तो लोग भी सतर्क रहेंगे, या वो रेस्टोरेंट वाले चेन जो होती है वो भी सतर्क रहेंगे, कहीं हमारा नाम खराब नहीं हो, बदनामी नहीं हुए। अदर देन दैट पब्लिक को भी जो वहाँ से फूड खरीदती है, और अगर किसी को भी इस टाइप का फूड खाने के 2-4-6 घंटे बाद में अगर लूज मोशंस वॉमिटिंग होती है, इमिडिएटली उसको अलार्म रेज करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए या बताना चाहिए कि उनका फूड खाने की वजह से ऐसा हुआ। सो दैट दोनों तरफ से अगर ये रेगुलेटरी बॉडी अगर अलर्ट रहेगी तो मुझे लगता है इस तरह की समस्या, इस तरह की तकलीफ से अपन दूर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सलाह दी सर, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैकडोनल्ड्स का ये केस हमारे सामने है तो हम इस चर्चा पर इस पूरे मुद्दे पर मंथन कर पा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ये तो बड़े प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट हैं और हमें उम्मीद है कि ये बड़े मानकों पर खरे उतरते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में इतने प्रख्यात भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आप देख लीजिए, ख़ास तौर से फूड्स एंड बेवरेजेस में किस किस स्तर पर हाइजीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये किसी से ये छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तो सिर्फ आपको नहीं लगता है मनीषा जी, मैकडोनल्ड्स का बहाना लेके मैकडोनल्ड्स और इस तरह की इंटरनेशनल चेन्स की तो रेगुलर मॉनिटरिंग बढ़ाई ही जानी चाहिए, साथ ही साथ में जो अनरेगुलेटेड मार्केट है, जो रेड़ी पटरियों में जो इस तरह से खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, अब उस पर भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग बढ़ा देनी चाहिए। अल्टीमेटली ये एक कंज्यूमर की हेल्थ का, उसकी जान का प्रश्न है। देखिए अभी बर्गर का सिलसिला सामने आया तो हम बर्गर्स की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ये देखें, ये मोमोज हो गया, ये सुशीज हो गए, ये सबवे हो गए, इन सब के अंदर जितना भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो मैक्सिमम अनकुक्ड फूड है। आप सबवे को देखिए, सारा अनकुक्ड वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं, कितनी देर से वो पड़े होते हैं, आई एम श्योर वो उसको बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बड़ी बड़ी चेन्स हैं उनको ध्यान रखते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि हमारा टेम्परेचर ऐसा अलाउ करता है या हमारी कोई हाइजीनिक थोड़ा सा क्योंकि हमारा टेम्परेचर अलाउ नहीं करता और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और जगह जगह पे ये सब चीज़ें खुलने होने के वजह से मुझे नहीं लगता कि इतनी रेगुलेशंस हम देख सकते हैं। किसी को मैं ब्लेम नहीं करती, पर जगह जगह आप देखिए, आप हमारे देश में आप चांदनी चौक चले जाइए या कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, ठेले पे बहुत सामान मिलता है, चाय पर चाय मिलती है, समोसे बर्गर सब कुछ मिलता है, तो वो सारा काफ़ी हद तक वो इतनी जल्दी बनाना होता है क्योंकि इतना सारा देना होता है, कितना कुक होता है कितना कुक नहीं होता है। बिल्कुल सही आपने मुझे कहा, ऐसा लगता है उनके सोर्सिंग की कोई पड़ताल नहीं होती, उनके सप्लायर्स कौन है, वेजिटेबल्स के, डेयरी के, या हाई रिस्क जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ास तौर से बिल्कुल आपने सही कहा, रेड़ी पटरी पे तो जो चीज़ें मिलती हैं उनके तो सोर्स का पता ही नहीं होता है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि ये मैकडोनल्ड्स का जो मामला है जो अमेरिका में आया है, भगवान न करे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति इससे बीमार हो, लेकिन समय रहते हमारे लिए जागने का, चेतने का एक बहाना ज़रूर ये देता है, और इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ सीख लेंगे, समय रहते कुछ कदम उठाएंगे, न सिर्फ रेगुलेटरी स्तर पर जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें भी सतर्क रहना है, दोनों तरफ से अगर बात जागरूकता की हो तो फिर बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा चोपड़ा, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौमित्र रावत आपका, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गौतम भंसाली सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, नमस्कार।